Good morning students, how are you? I am your English teacher. So today we'll start class 5th, English the book Midnight Oil. The fourth chapter is Gulliver in Lilliput. So aapne ye story suni hogi. So today we'll discuss about story. Now on the 4th of May 1699, Lemuel Gulliver, who loved traveling, set sail on the Antelope to the far east. 4 मई 1699 लेमुअल गलिवर नाम का एक आदमी जिसे ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद था, वे समुद्र में एक ट्रैवलिंग करने के लिए निकल गए. वन नाइट द सी टर्न रफ, एक रात समुद्र में बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़ हुई. इट इज़ अ स्टॉर्म, क्राई गलिवर टू द मैन, यह एक बहुत बड़ा तूफान है, गलिवर ने उस नाव में बैठे हुए सभी आदमियों से कहा. द वेव्स रोज हाई, जो लहरें थी तूफान की वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी. ऑल द मैन बोर्ड द एंटलोप वर फिल्ड विद फियर, नाव पर जो बैठा थे लोग बैठे थे और मृग बैठे थे वो डर के साथ भर गई. मोस्ट ऑफ देम जम्प्ड आउट ऑफ द रेक्ड शिप, बहुत सारे लोग उस नाव से पानी में डूब गए. टू अ वेट्री ग्रेव, रेक्ड मीन्स जो डैमेज नाव थी उससे पानी में डूब गए. एंड गलिवर क्लिंगिंग टू अ प्लैंक टू द शिप, गलिवर लेमुअल गलिवर नाव के तख्त पर चढ़ने वाला सा द शिप एंड द रेस्ट ऑफ द मैन सिंकिंग, उसने देखा कि शिप और बाकी बचे हुए लोग डूब रहे हैं. टिल देयर वॉज नथिंग बट द रफ सी बिफोर हिम, उसके सामने उबड़ खाबड़ समुद्र के अलावा और कुछ भी नहीं था. गलिवर मेड वन विगरियस अटैम्प्ट, गलिवर ने अपनी ताकत के साथ, विगरियस मीन्स ताकत के साथ, स्वैम एंड स्वैम टिल ही रीच द शोर, तैरते तैरते समुद्र के किनारे तक पहुंच गया. ही लुक्ड राउंड एंड नो बडी इन हिज साइट, उसने अपने आसपास चारों ओर देखा तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया. ही वॉज टायर्ड एंड एक्सहॉस्टेड एंड फेल अस्लीप ऑन द सैंड, वह बहुत ज़्यादा थक गया और मिट्टी के ऊपर लेट गया. सो लुक एट दिस पिक्चर, द गलिवर सेट अस्लीप ऑन द सैंड. Now, when Gulliver woke up, he was surprised to see that he was unable to move his hands and legs. जब Gulliver को जाग आई तो वह यह देखकर हैरान हो गया कि वह अपने hands और legs को हिलाने में असमर्थ था. In fact, he could not even move his head, वह अपने सिर को भी नहीं हिला पा रहा था. He was securely tied with fine cords, वह cords means रस्सी से सुरक्षित रूप से बांधा हुआ था. सो लुक एट दिस पिक्चर, ही वॉज सिक्योरली टाइड विथ फाइन कोल्ड्स. ही क्लोज हिज आइज एंड फेल्ट हेल्पलेस, उसने अपनी आंखें बंद की, वे अपने आप को बेबस महसूस कर रहा था. ही फेल्ट समथिंग मूविंग अप हिज चेस्ट, उसे यह महसूस हो रहा था कि उसकी जो चेस्ट है वो ऊपर की ओर जा रही है. He opened his eyes and saw that it was a very little man, about 50 centimeters tall. उसने जब अपनी आँखें खोली तो उसने देखा कि उसके आस पास छोटे छोटे लोग हैं जो लिलीपुट के रहने वाले थे. गलिवर said hello to the little man, but the little man ran away. गलिवर ने उन छोटे छोटे आदमियों से हेलो बोला बट वो छोटे छोटे आदमी भाग रहे थे. Gulliver noticed that there were hundreds of little men around him. Gulliver ने यह notice किया कि उसके आस पास 100 से भी ज़्यादा छोटे छोटे आदमी थे. They were all communicating in a strange language. वे सब आपस में एक अजीब भाषा में बात कर रहे थे. Gulliver began to feel ravenous and his mouth was parched. Gulliver अपने आप को बेबस और अपने आप को बहुत ज़्यादा उसकी जो
माउथ था वो बहुत ज़्यादा सूख रहा था। विद डिफ़िकल्टी ही मैनेज टू से टू द लिटिल मैन, उसने बहुत ही मुश्किल से लिटिल मैन के साथ बात की। आई एम हंग्री एंड थर्स्टी, मैं बहुत ज़्यादा भूखा और प्यासा हूँ। बट दे कुड नॉट अंडरस्टैंड हिम, पर वो उसकी भाषा को नहीं समझ पा रही थी। ही बिगिन मूविंग हिज हैंड अप, उसने अपना हाथ उठाया एंड डाउन एंड फाइनली रिलीज दिस हैंड फ्रॉम द कोट्स एंड पॉइंटेड टू हिज माउथ इन अ जेस्टर दैट शोड दैट ही वॉन्टेड समथिंग टू ईट। उसने बहुत ही मुश्किल से रस्सी से अपना हाथ निकाला और अपने हाथ को अंगूठे को मुंह के पास किया और उनको समझाया कि उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। सो लुक एट दिस पिक्चर, गलिवर मूविंग अप हिज हैंड एंड डाउन रिलीज हिज हैंड फ्रॉम द कोट्स। सो स्टूडेंट्स, टुडे इज द एंड, रीड द चैप्टर केयरफुली एंड ऑल द डिफिकल्ट वर्ड्स राइट डाउन योर प्योर नोटबुक। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।